नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और दक्षिण अफ्रीका की आज से शुरू होने वाली टी20 सीरीज को लेकर हम तमाम तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने आईपीएल में तो अपना लोहा मनवाया ही, साथ ही पूरी दुनिया उनकी स्पीड के बारे में बात कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उमरान मलिक, द न्यू राजधानी एक्सप्रेस ऑफ टीम इंडिया। दरअसल आपको बता दें कि उमरान मलिक चूंकि एक बेहतरीन स्पीडस्टर हैं और जम्मू कश्मीर से आते हैं, और एक ऐसे खिलाड़ी को आईपीएल के बिना पर मौका दिया गया है जिसने अपनी स्पीड का लोहा मनवाया है। 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने आईपीएल में गेंद डाली, लगातार 150 की स्पीड से वो डालते हैं, और आजकल भारत में जिस तरीके से के पेसर्स निकल के आ रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। हाल ही में हमने नेट्स पर प्रैक्टिस करते हुए देखा, लगा कि क्या उमरान मलिक को मौका मिलेगा। देखिए 90% चांस तो यही लग रहे हैं कि उमरान मलिक आज का मुकाबला खेलेंगे। सीरीज में राहुल द्रविड़ भी चाहेंगे कि वो देखें, क्योंकि अगर वो इंडियन पिचेस पे 150-155 फेंक रहे हैं तो सोचिए जब ऑस्ट्रेलियन विकेट पर वो गेंदबाजी करेगा तो क्या हाल होगा। वो फिर जो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूटने वाली जो बात हो रही है वो क्या पता टूट जाए। बहरहाल थोड़ा जल्दी होगा कहना, क्योंकि शोएब अख्तर खुद भी एक महान खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी वो करते थे। वहीं शाहिन शाह अफरीदी के स्टेटमेंट को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, कि उनसे सवाल किया गया था कि क्या आपके लिए भी पेस बढ़ाना एक ऑप्शन है, तो उन्होंने कहा था हाल ही में कि मेरे लिए पेस मैटर नहीं करती। हालांकि कई लोगों ने रिलेट किया कि उमरान मलिक के लिए स्टेटमेंट था, बल्कि वो ऐसा नहीं था। लॉकी फर्ग्यूसन और बाकी चीज़ को लेकर भी उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने एक अपने अंदाज में जवाब दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि उमरान मलिक देखिए गेंदबाजी तो बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन कई मैचेस में उनकी लाइन और लेंथ को लेकर भी बात हुई थी। अब क्या वो इस लाइन और लेंथ को सही कर पाते हैं, क्या भारत का जो बॉलिंग अटैक है क्या वो उसमें अडेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि सीनियर गेंदबाज नहीं है। हालांकि भुवनेश्वर कुमार वहाँ पर मौजूद हैं, हर्षल पटेल वहाँ पर मौजूद हैं, हर्षल पटेल रणजी बहुत अच्छा खेल चुके हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हें, तो कहीं ना कहीं इन गेंदबाजों का उन्हें मिलेगा सहारा। और राहुल द्रविड़ ने भी खुद भी उनकी तारीफ की है, नेट पर जब कर बात करते नजर आए, और ये भी खबरें आ रही हैं कि 164 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंद डाली थी, यानी कि 163.3 क्या होगा मौका मिले, और अगर मौका मिलता है तो क्या ये कश्मीर एक्सप्रेस एक बार फिर अपना जो गेंदबाजी का लुक है वो मनवा पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, क्या उमरान मलिक को लगातार मौका मिलना चाहिए और क्या उन्हें T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया जाना चाहिए, ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल।